बात जनवरी 2019 की है। मेरे माता पिता एक पार्टी में गए हुए थे और मुझसे कहा कि उन्हें आने में काफी लेट हो जाएगा। वो पार्टी दिल्ली में थी और हम लोग मथुरा में रहते थे। उन्होंने मुझे मेरे छोटे भाई का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। मम्मी पापा के जाने के बाद हम दोनों ने बहुत देर तक टीवी देखा। रात के जब 11 बज गए तब मैंने अपने भाई से ब्रश करके सोने के लिए कहा, हालांकि मैं बाद में भी जग रहा था। जब रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं सोने वाला था, तभी मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और उसको देखते ही मैं वापस उठ गया और उसने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में कोई है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता था और मैंने उससे कहा कि वो जरूर कोई चूहा होगा, मगर मेरे भाई ने फिर से कहा कि नहीं, उस अलमारी में कोई डरावना सा दिखने वाला आदमी है। अपने भाई को साथ लेकर मैं उसके कमरे में गया। मैंने लाइट ऑन की और हम दोनों अलमारी तक पहुंचे। अलमारी खोलते ही मैंने एक लंबे गंदे भयानक आदमी को देखा और उसके बाल चिपके हुए थे और उसके शरीर से बदबू आ रही थी। वो लगभग 40 साल का दिख रहा था। वो अभी भी मेरे छोटे भाई को घूर रहा था और अपने छोटे भाई को डरा हुआ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उबलते हुए मैंने उस आदमी की गर्दन पर एक जोर का मुक्का मारा। मुक्का खाते ही वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मैंने उसके चेहरे पर अपने पैरों से मारना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून निकलने लगा और मैं अपने भाई को साथ लेते हुए बाथरूम की ओर भागा। बाथरूम का दरवाजा बंद करके मैंने पुलिस को फोन किया और उसके बाद अपने माता पिता को भी फोन करके पूरी बात बताई। 10 मिनट बाद पुलिस हमारे घर आ चुकी थी और उसे खून के निशान भी दिखे। पुलिस ने हमारे घर का हर कोना छान मारा लेकिन वो आदमी कहीं भी नहीं मिला। मैंने पुलिस को उस आदमी का हुलिया अच्छे से बताया और हमारे माता पिता के आने तक एक पुलिस अफसर भी हमारे साथ रुका। बाद में पता चला कि उसने कई बच्चों के साथ दुष्कर्म किया था और कईयों का कत्ल भी किया था। वो 47 साल का आदमी था और उसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अगर मेरा भाई नीचे आकर मुझसे ना कहता कि उस अलमारी में कोई है तो उस दिन क्या हो जाता, मैं सोचना भी नहीं चाहता।